एवरीवन, तो आज हम लोग ने लंच में अम्मा का फेवरेट दाल पूरी बनाया था, क्योंकि अम्मा एक दो दिनों से दाल पूरी बोल रही थी और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो दाल पूरी का माहौल बन ही नहीं पाया। सो फाइनली आज दाल पूरी बनाई गई घर पर, तो आपने वही लंच में दाल पूरी देखी है। और चीज़ें अभी हम लोग पैक वगैरह करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है, अम्मा जा रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो मतलब ऐसा लग रहा है यार, आदत हो गई है, खतरनाक आदत हो गई है उनकी, तो कैसे होगा, कुछ दिन तो बड़ा सुना सुना लगेगा, कुछ तो मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है। पर उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा घूम फिर आएंगी, फ्रेश होकर आएंगी, तो उनकी तबीयत के लिए अच्छा है। क्योंकि कहीं कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि एक ही जगह पर आप ज़्यादा रह जाते हो, तो थोड़ा सा मतलब मन उदास होने लगता है। तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा घूम फिर नहीं पाती, फिर भी हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि यहाँ घुमा दे, वहाँ घुमा दे, जितना हमसे पॉसिबल हो पड़ता है हम करते हैं। सो आई थिंक ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि वो थोड़ा सा फ्रेश होकर आएंगी, राइट? तो ये सोच कर हम लोग भी मतलब वो कर लेते कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो बस यही अभी सारी चीज़ें चल रही है, पैकिंग वगैरह है ना, पैकिंग करनी है अभी कि बाद में करेंगे? पैकिंग हाँ। अच्छा अभी डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट भी है अम्मा की, तो एक बार मेरे कान के, और वो देखो पैकिंग मटेरियल आ गया है। देख लिया था क्या आपने? ये अम्मा की सारी रिपोर्ट्स और सारी जो भी मतलब हेल्थ की, उनकी जो भी डॉक्टर की चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। और आपको तो 6 बजे जाना ना, 1 घंटा है ना, चाय बनवा दूँ? हाँ नहीं नहीं, निकालो निकालो, अभी 1 घंटा है, अपन ऐसे 1 घंटा करके मतलब। सो ये बातें तो है, पैकिंग ऐसी चीज़ है ना, वो एंड तक चलती रहती है, होती रहती है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती मुझे ऐसे लगता है। और बारिश रुक गई है बाहर, आप देख सकते हैं बारिश रुकी हुई है, बहुत गंदी वाली बारिश हो रही थी 2 दिन से। और आज तो मंडे को स्कूल और कॉलेजेस को भी फाइनली छुट्टी दे दी गई। और ये मेरा कैमरा इतना अजीब सा क्यों दिखने लग गया एकदम से, व्हाट हैपेंड? चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं बस अपने ब्लॉग को अभी पब्लिश की हूँ, 4:45 मंडे ब्लॉग लेट आया था ना जी, हाँ, क्योंकि इधर उधर भागम भागी में लेट हो गया है। तो चलिए फिर चीज़ें आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अम्मा देखो उतारने से रही आने नहीं, के बाद तो फिर वो कैसे जाएंगे कल, पर सुनेंगे नहीं ना, उतारेंगे नहीं, तो अम्मा को तैयार करना है, प्लस अरेंज भी करना है कि वो कपड़ा मतलब सारी प्लानिंग मतलब जो भी यार आप समझ ही रहे होंगे। नहीं उतारेंगे तो राज बोल रहे अभी अम्मा को फिर उतार देने के, क्योंकि अम्मा सुनती नहीं, आने के बाद निकालना नहीं चाहती है। और पता ना आपको पैकिंग करना उस हिसाब से, तो अभी जो न्यू मैक्सीज है वो थोड़ा सा छोटा करवाने के लिए भेजा है यार। मैं बड़ा मिस करूँगी अम्मा को तैयार करना, एवरीडे अम्मा को तैयार करना लाइक मेरा जॉब था, तो बहुत मिस करूँगी इस चीज़ को।
तो अम्मा चली गई है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। जाने से पहले एक बार मिलना तो था ही डॉक्टर को। तो राज और जो बाबू आशीष, ये मेरी न्यू हाउस हेल्पर है, वो पता नहीं किसी से फाइट कर रही है फ़ोन पर, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। खतरनाक लास्ट 15-20 मिनट से फाइट कर रही है फ़ोन पर, क्या बोलने का। तो अम्मा आ गई है और राज और बाबू के दोनों गए हैं दवाई लेने के लिए अम्मा की। सो अम्मा ने बोला कि डॉक्टर ने बोला सब कुछ खा लो। अम्मा ये बताओ कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, अभी आपको डायबिटीज़ है सब कुछ के। अम्मा बोली आते ही, देखो मुझे डॉक्टर ने बोला सब कुछ खा लो, मैं अभी मीठा खा सकती हूँ। ठीक है, ठीक हो अम्मा, पर अगर आप चीनी खाओगे ना वैसे ही शुगर बढ़ जाएगा। परहेज तो सिर्फ चीनी में ही है। तो परहेज किस चीज का है? चीनी का ही परहेज है। परहेज मतलब रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि चीनी चाहिए। हाँ तो वही तो परहेज है अम्मा, और किसी चीज का अम्मा को परहेज ही नहीं है। और किस चीज का परहेज अम्मा? अम्मा अरे कहा ना पिंटू, चरवा है ना पलामा है तनी को चावल, चावल में भी चीनी के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए। अभी क्या है ना, शुगर एकदम कंट्रोल में है, तो हम लोग को ऐसा लगता है ना कि आप चावल खाओ पर थोड़ा सा खाओ, जिस चीज़ों से शुगर बढ़ती है, समझी समझी समझे ना। बट आई मिस हर यार, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, बहुत याद आएगी अम्मा आपकी। 6 महीना से ज़्यादा आप यहाँ पर थी, बहुत याद आएगी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इमोशनल हो गई अम्मा। अम्मा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ही ज़्यादा। पहले इनको लंदन जाना था, तो अम्मा की मुझे यूके जाना है, तो हम लोग इनके मर्जी पर जाकर चलो भाई वीज़ा करवाते, तो वीज़ा हो गया फॉर्चुनेटली। तो वीज़ा होने के बाद अभी जब जाने का टाइम आ गया है तो अम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है, मो लग रहा है, अम्मा भी बोल रही थी मो लग रहा है। दैट्स टोटली लाइक आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यार आप इतना समय एक साथ रहते हैं, आई थिंक 11 साल में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग अम्मा के साथ इतना ज़्यादा रहे हैं, लाइक मोर देन 6 मंथ्स। जनवरी कुछ 2021 को अम्मा हमारे साथ आई थी, और अभी आज अगस्त की 5 तारीख है, सो मोर देन 6 मंथ जब अम्मा इतना हमारे साथ रह चुकी है। तो ये बात तो है कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। कोई नहीं, 2-3 महीना अपना घूम फिर के फ्रेश होकर आ जाओ, अपना ही घर है। सो कौन सा वो बड़ी बात है, एकदम से मतलब होता है ऐसे। पहले एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, पर लास्ट 2-3 दिन से ऑल सडन उनकी एक्साइटमेंट ही डाउन हो चुकी है। उधर आश्वी भी है ना, आश्वी भी तो है, आश्वी है वहाँ पर, मेरे जो देवर जी है उनकी बेटी है आश्वी, जो आई थिंक 4 साल की है या 3 साल की, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। नहीं 4-5 साल, नहीं 5 साल की नहीं है बेटा, 4 साल की हो गई है इस अप्रैल में, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 3 या 4 में दोनों में कंफ्यूज हूँ। अम्मा वहाँ पर आश्वी है, अम्मा का मूड उधर उधर हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलो खाना खाओ, भूख लगी है तो खा लो, खाना बन गया। नहीं चलो खाओ, चलो आने दो फिर, दोनों को आने दो फिर खाते।
पहचानो कौन है, किसने किसने पहचाना पास से। अम्मा की फोटो है ये, अम्मा तब जवान। कौन सी एज की होगी अम्मा की फोटो? नहीं, 4-5 साल पहले। इतना यंग थोड़ी थी अम्मा, साड़ी से तो लग रहा है कि वो 4-5 साल वाली पहले ही है। नहीं, 4-5 साल पहले नहीं। मुझे लग रहा है पिक्चर एडिटिंग वाले ने कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया, स्मूथनिंग करवा दिया है, क्योंकि 4-5 साल पहले भी अम्मा को हल्के रिंकल्स थे, पर इसमें पूरा क्लीन कर दिया है। फोकस कैमरा, फोकस फोकस। पहले रिंकल्स थे ऐसे डॉट 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 डॉट। नहीं अभी है, पहले नहीं होंगे ना, पर इसमें पूरा हट गए हैं, पूरा खूबसूरती। सो सारी पैकिंग जो है वो हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा पैकिंग में, मेनली मेडिसिन जो इम्पोर्टेंट है वो पैक कर लिया है, और मेन तो वही चीज़ है, और ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जाएगा तो भी या आएगा जाएगा जो भी मतलब, बट मेडिसिन इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के ऑलमोस्ट 5:45 बज रहे हैं, मैं पराठा और ये आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि घर का तो घर का असर है, तो अम्मा को जब मन करे तो वहाँ खा सकते, और अम्मा को उठा रहे हम लोग, पर अम्मा को नींद बहुत आ रही है इस समय। चलिए मैं बना लेती हूँ ये सारी चीज़ें, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह के 6:15 बज रहे हैं, अम्मा को तैयार कर दिया है, और अम्मा ने आपका फेवरेट वाला ड्रेस पहना है, और अनिका को उठा रहे, पर अनिका को भी नींद आ रही है, तो अनिका ने नींद में ही बाय कर दिया, उसके पापा गए हैं उठाने के लिए। चलो अम्मा को मैं चप्पल पहना दूँ। सो यूके की फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो गई है, डिले हो गई है, तो 6 बजे निकलना था, अभी 7 वगैरह बजे निकलेंगे, तो हम लोग भी जा रहे छोड़ने, क्योंकि हमने सोचा कि अनिका का स्कूल स्किप कर देते, पहले नहीं जाने वाले थे क्योंकि अनिका का स्कूल जो है वो टाइमिंग और ये वाला टाइमिंग दोनों वो कर रहा था, पर हम लोग स्कूल स्किप कर रहे, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, और अम्मा को वापस सोने के लिए भेज दिया है, क्योंकि सुबह से उठी थक गई है बेचारी, तो उन्हें वापस सोने के लिए बोल दिया, तो एटलीस्ट 20-25 मिनट का नैप ले लेंगी, और अनिका को मैंने तैयार कर दिया है, तो अनिका तो तैयार है जाने के लिए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। पौने 11 हो रहे हैं, हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और अम्मा की भी 11:15 की फ़्लाइट है, अम्मा तो अभी एयरपोर्ट पर ही होंगी। बहुत ही बुरा लग रहा था, मैं जा ही नहीं पाई गेट के पास में, क्योंकि गाड़ी थी ना, तो गाड़ी की वजह से मेरे को गाड़ी के पास खड़ा होना पड़ा, और रात जाकर पहुँचा कर आए। अभी घर जाने में ना इतना सूनापन लगेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था, वापस आते समय भी ऐसा लग रहा था कि मतलब मिसिंग सा लगता था। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो सही सलामत वहाँ पर पहुँच जाए,
उनको रास्ते में कोई भी तकलीफ ना हो, बस यही एक प्रार्थना है। चलिए फिर इससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, ये ब्लॉग में ही कर सकती हूँ। बाय, टेक केयर।